all your way, Sister Esther Fuzzle. Hallelujah. Thank you so much, Haseem Bhai. Sara Jalal Yesu ke naam ko aaiye paakru ke liye zordaar taaliyan. Zordaar taaliyan paakru ke liye jo hamara achha madadgar, jo hamara achha rehnuma. Hallelujah. Praise Jesus. खुदावंत के जिंदा चलाने बरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम, सब को सलाम। आइए एक दूसरे की तरफ टर्न करें और कहिए गॉड ब्लेस यू, हाथ मिलाए और कहिए गॉड ब्लेस यू, क्योंकि खुदा ने हमें बरकत के वारिस होने के लिए बुलाया है, ना कि लानत के लिए। और कलाम में लिखा है कि जिसे तुम बरकत दोगे मैं उसे बरकत दूंगा। और हमें जरूरत है कि जब भी किसी को मिले कहें गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, गॉड ब्लेस यू माय सिस्टर, क्योंकि खुदा जो है जो अच्छा दरख्त है वो अच्छा फल लाता है। अगर हमारे अंदर बरकत है तो क्या निकलेगी, क्या निकलेगी जी? बरकत निकलेगी। लेकिन अगर लानत है तो लानत निकलेगी। तो मैं समझती हूँ कि जो खुदा के लोग हैं उनके ऊपर लानत ठहर भी नहीं सकती। अभी पास्टर साहब के लिए दुआ की गई, लेकिन खुदा ने इब्राहिम से कहा कि जो तुझको बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर क्या करूंगा, लानत करूंगा। तो खुदा के कदमों के ऊपर मैं समझती हूँ कि खुदा खुद खड़ा हो जाता है अपने लोगों के लिए, क्योंकि वो सब जंग यहोवा उसका नाम है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ जीसस। आइए इससे पहले कि हम कलाम को देखें, एक लम्हा के लिए अपने सिरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे छोटी सी। प्रेज़ जीसस। रूह कुदस तेरा शुक्र खुदा बाप, तेरा कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता। तेरा कलाम जब भी आता है सर्दी खाता है, तू मेरे पापों ने अपने कलाम को नासक फरमा ताकि एक एक के लिए बरकत का बायस ठहरे। और आज का कलाम मेरे पापों ने इनके अंदर उतर जाए ताकि तेरे कलाम को इज्जत और जलाल मिल जाए, जितने भी सुने एक एक के लिए बरकत का बायस हो, मसीह के नाम में। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि वो भला खुदा है, वो अजीम खुदा है, वो फातरे मुतलक खुदा है, वो हले मुश्किलात है, जो काम इंसान नहीं कर सकता वो खुदा का पाकरू करने की कुदरत रखता है। तो सफदर भाई थैंक यू सो मच, पास्टर मैनुअल साहब थैंक यू सो मच कि आपने मुझे खास मौका दिया। बिफोर वन संडे भी मुझे मौका दिया गया, लेकिन मेरा ब्रदर ट्रेवल कर रहा था, उनके ससुर की ऑन द वे ही डेथ हो गई, तो जिसकी वजह से मुझे उनके पास स्टे करना पड़ा। तो आई एम सॉरी कि मैं उस संडे ना आ सकी, लेकिन खुदा का शुक्र हो कि आज खुदा ने मौका दिया ताकि आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सके और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके, क्योंकि वही इज्जत तमजीद और हम के लायक, वही हले मुश्किल जो कादर मुतलक खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो आज और कल बल्कि अपा तक ही अफसा खुदा मेरे जिसो, वो हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहता है। हालेलुया। तो मैंने पहले कलाम तैयार किया था मोहब्बत के ऊपर, लव ऑफ गॉड, लेकिन जो कि अभी 10 दिन के बाद जो है रोजे शुरू होने को है, हम ईद क़यामत की तैयारी करने को है, रोजों में ठहरेंगे, दुआएं करेंगे, और आज हम सीखेंगे रोजे ही के बारे में कि रोजे की अहमियत क्या है, रोजा क्या हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, बाइबल रोजे के बारे में क्या कहती है। तो आज हम बकायदा रोजे ही के बारे में देखेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, क्योंकि मेरे अज़ीज़ो कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हम पीने की बातें सुनते हैं अपने अंदर उतार लेते हैं, लेकिन कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना। खुदा ने बड़े खूबसूरत आपको चेहरे दिए हैं, खूबसूरत आपको आवाज दी हुई है, तो बोलिए मेरे अज़ीज़ो, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जब हम
उनके नाम को जलाल मिलता है। आइए मेरे साथ निकालिएगा जिनके पास खुदा उनका पाक कलाम है, यूना चैप्टर 3, यूना की अंजील और उसका 3 बाब, और पहली ऐसे हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे। और खुदा उनके कलाम में लिखा है, और खुदा का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहां उस बात की मनादी कर जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूं। तब यूना खुदा के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया और नैनवा बहुत बड़ा शहर था, उसकी मुसाफत 3 दिन की राह थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला, उसने मनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बादशाहों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मनादी की और अतना वाला सबने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और अपने तख्त पर से उठा और बादशाह लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राह पर बैठ गया। और बादशाह और इसके रकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ऐलान किया गया और इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हवान गना या रामा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हवान टाट से मुलब्बस हो, खुदा की हजूर गिरिया जारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के सुलभ से बाज आए, शायद खुदा रहम करे और अपना अरादा बदले और अपने कहने शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हो। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने यहाँ पर आज हमने बकायदा बात करी है रोजे के बारे में कि रोजा जो है यहाँ पर रोजे की क्यों मनाती की गई, रीजन क्या थी, क्या वजह थी कि खुदा का कहर नैनवा शहर के ऊपर नाज़िल हुआ और वहां पर रोजा की मनादी की गई। मुझे सबसे भाई पानी चाहिए। तो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आप बाइबल के अंदर भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे और जब वो बियाबान के अंदर गया और अभी से अजमाया गया और जब उसको भूख लगी अजमाने वाला पास आ गया। मेरे जीसो खुदा जो है जब हम रोजे में ठहर जाते हैं तो खुदा हमारा जोर बन जाता है। उस वक्त जब मेरे जीसो 40 दिन और 40 रात के बाद यीशु मसीह रोजे में ठहरा और से भूख लगी तो मेरे जीसो आजमाने वाला अब्लीस भी पास आ गया। जब अब्लीस पास आया तो उसने तरह तरह से यीशु की समाइशें की। इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह जो है वो अब्लीस पर गालब आया। यीशु ने उसे कलाम में से ही आंसर किया। आप सबको पता है इस बात का, हम इस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि डैनियल ने वो 21 रोजे रखे, 21 रोजे रखे। कल ही मेरी एक बात हो रही थी बहन से तो वो कहने लगी, सिस्टर जी मुझे तो शुगर है, मैं रोजा नहीं रख सकती। मैंने कहा दिस इज नॉट अ बिग डील, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको शुगर है तो आप रोजा नहीं रख सकती। वो कहती कैसे सिस्टर जी। मैंने कहा आप डैनियल को पढ़े कि जब वो रोजे में ठहरा तो उसे जो लिक्वर था वो लेता रहा, इसके साथ वो बॉइल चीजें जो थी टेस्टलेस, आप कलाम के अंदर पढ़ सकते हैं इसको, तो वो टेस्टलेस चीजें जो थी वो लेता रहा और 21 डेज तक मेरे जीसो उसने रोजे में रहकर खुदावंद की हजूरी में क्रियाजारी की। और खुदा ने कहा कि डैनियल मैंने पहले ही दिन तेरी आवाज को अपनी हजूरी में मकबूल ठहरा लिया था। तो मेरे जीसो अगर आपको शुक्र है तो आप एक्सक्यूजेस ना बनाएं कि हम रोजा
मूसा ने रोजा रखा और मूसा ने 40 नहीं बल्कि 80 रोजे रखे। जब वो पहली दफा 40 रोज के लिए खुदाओं की सूरी में गया, जब वापस लौट कर आया तो उसकी कौम ने मेरे जिसो भूत प्रस्ती शुरू कर दी और जो उसको 10 हकाम मिले थे उसे आते ही तोड़ डाले और फिर खुदा ने उसको वापस बुलाया 40 रोज के लिए पहाड़ के ऊपर। तो इस तरह जो मूसा जो था उसने 80 रोजे रखे। तो मेरे जीजो रोजा जो है ये हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि रोजे की हालत के अंदर जब हम रहते हैं, अभी हम रोजों में ठहरेंगे ईद क़यामत मनाने के लिए, यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाने के लिए। तो जब हम रोजे में ठहरते हैं तो हमारा तल्लुक जो है वो खुदा के साथ होता है। हालेलुया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि नैनवा के लोगों को क्यों रोजे का कहा गया, जो यूहन्ना नबी है उसको नैनवा में क्यों भेजा गया। जो नैनवा शहर है एक्चुअली ये मेरे जीजो अराक की सरजमीन के बिल्कुल साथ ये नैनवा शहर है और यहां पर लिखा है कि नैनवा एक बहुत बड़ा शहर था और ये एक बहुत बड़ा शहर है और ये पढ़ा लिखा यहाँ पर लाइब्रेरी है, यहाँ पर इसकी मसीह जो है वो सड़कें बनी हुई है, बड़ा बहुत बड़ा वेल एजुकेटेड शहर है। लेकिन जो नैनवा है इसकी बदी जो है वो खुदा की हजूरी तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि ये मेरे जीजो बुत परस्ती करते थे, ये खुदा को याद नहीं करते थे, ये कुत्तों की परस्तिश करते थे, ये देवी देवताओं को मानते थे। और कलाम कहता है कि कुत्तों को मानने वाले कुत्तों की इबादत हो जाएंगे, कुत्तों को मानने वाले कुत्तों की इबादत हो जाएंगे। आज हमने भी सोच रहे हैं कि क्या हम तो किसी की कोई ऐसी बुत परस्ती तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़बूर नबी कहता कि कुत्तों को मारने वाले बुतों की इमानत हो जाएंगे। तो मेरे जीसो ये जो नैनवा शहर है ये बुत परस्ती करने वाला था और ये बुत परस्ती एक्चुअली इनके पास आई कहां से? अगर हम थोड़ा और जब तूफान आ जाता है तो लोग उस
खामोशी से बैठा हुआ है। अब पूरा डालते हैं लोग और पूरा जो है वो यूना के नाम पर निकल आता है। जब पूरा के नाम पर पूरा निकलता है तो उससे पूछा जाता है कि तू कहां का है, तू कहां का है, तूने क्या बोला है, तू कहां से पाता है, तूने क्या ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से कश्ती के अंदर इतना बड़ा तूफान आ गया। तो मेरे सिसो वो अपना तारफ बताता है, वहां पर वो बताता है कि मैं इब्रानी हूं, मैं इब्रानी हूं, यानी मैं इब्राहिम की नस्ल से हूं। और मेरे जीजो वो वहां पर जब तारफ बताता है अपना और लोग वो कहता है कि आ मुझे उठाए और समंदर में फेंक दे और ये तूफान जो है मेरी वजह से आया है ये थम जाएगा। आज हमें भी चेक करना है क्या मेरी वजह से मेरे पूरे घर के अंदर तूफान तो नहीं आया हुआ, क्या क्यों क्या मैंने ऐसी बात तो नहीं कोई की जिसकी वजह से मेरे घर के अंदर कोई ऐसा बड़ा मसला आ गया। और मेरे जीजो जैसे उसे समंदर के अंदर फेंका जाता है तो तूफान थम जाता है और तूफान जैसे ही थमता है और उधर से खुदा ने एक बड़ी मछली को समंदर के अंदर हुक्म दिया हुआ है। फिर आपको पता है कि वहां पर उस मछली के पेट के अंदर चला गया और जब मछली के पेट के अंदर जाता है तो फिर वहां पर कोई उसे सोफे नहीं सी लगे मछली के पेट से, फिर वहां पर तकम उठाता है, कभी नीचे कभी ऊपर कभी इधर को कभी उधर को, फिर उसे खुदा याद आता है। तो मेरे शिशो फिर वहां पर वो खुदा को याद करता है और जब वो खुदा को याद करता है वहां पर और मेरे शिशो वहां पर फिर वो तौबा करता है लिखा हुआ कुरान के मुताबिक और मछली जो है वो उसे बाहर फेंक देती है। खुशकी के ऊपर मछली जब उसे फेंकती है तो फिर यहां पर हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा कि दूसरी बार खुदा का कलाम यूना नबी पर नाजर होता है। जब दूसरी बार यूना पर कलाम नाजर हुआ तो फिर मेरे जीजो वो अब जो है पहले उसने गलती की कि जब हम भी नाफरमानी करते हैं तो हम कहां पे पड़ जाते हैं, मछली के पेट के अंदर, मुश्किलात के अंदर, तरह तरह की टेंशनों के अंदर। जब हम खुदा की हजूरी में नाफरमानी करते हैं तो आज हमें भी चेक करने की जरूरत है कि क्या हम तो है यूना की तरह नाफरमान नहीं हो रहे। खुदा हमें कहता है हम चर्च में जाएं, हम चर्च की बजाय कहीं और चले जाते हैं, हम सोचते हैं आज तो बड़ी अच्छी थिएटर में मूवी लगी हुई है, सिनेमा के अंदर नई मूवी आई है, आज हम वहां पर चलते हैं, चर्च को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम भी यूना की तरह मछली के पेट में ही पड़ जाते हैं, मुश्किलों के अंदर चले जाते हैं, टेंशनों के अंदर चले जाते हैं, हम मुसीबतों के अंदर चले जाते हैं। तो मेरे जीसो फिर यूना जो है वहां से वो जैसा खुदा ने उसको हुक्म दिया है उसके मुताबिक वो नैनवा शहर को जाता है और ये लिखा है कि बहुत बड़ा शहर और वो सारा दिन चलता रहता है और मनाती करता है कि 40 रोज के बाद क्या होगा, नैनवा शहर बर्बाद हो जाएगा। 40 रोज के बाद नैनवा शहर जो है बर्बाद हो जाएगा। तो वो मनाती करता जाता है, करता जाता है और सारा दिन वो लोगों को बताता है कि 40 रोज के बाद नैनवा शहर जो है ये बर्बाद हो जाएगा। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वो अक्सर जो भी लोग मुझे मिलेंगे
मार्केट के अंदर कहीं भी, तो वो मुझसे स्पेनिश में बात करना शुरू हो जाते हैं। तो आई लुक लाइक मे बी स्पेनिश। सो मेरे जीजो जो नैनवा शहर के लोगों ने उससे कहा कि तू नैनवा शहर का नहीं लगता, कहां से आया है। और फिर वो वहां पर भी अपना तारीफ करवाता है, और तारीफ क्या कराता है, क्या बताता है कि मैं मेरे जीजो प्राणी हूं। एक्चुअली जो मेरा बाप आता था वो अराब के अंदर रहता था, अराब के अंदर मेरे बाप दादा ने वहां पर वो बुत परस्ती करता था। और इसी तरह जो दादा बादशाह है मेरे जीजो इब्राहिम का बाप, वो भी वहां पर बुत बनाता था। लेकिन इराक के अंदर आप देखें कि खुदा ने इब्राहिम से कलाम किया कि तू मेरे पीछे चल तो मैं तुझे सितारों की मानत पर कर दूंगा, रेत के सरों की मानत पढ़ाऊंगा। वहीं पर खुदा ने इब्राहिम को भी बरकत दी, तो अपना तारफ करवाता है कि मैं इब्राहिम की नस्ल से हूं, मैं इब्रानी हूं, इब्राहिम मेरा बाप दादा है। तो मेरे जी से वहां पर वो अपना तारफ करवाता है, फिर वो बताता है वहां पर कि मैं उस खुदा की प्रस्तुत करता हूं जिसने समुद्रों को चीर डाला, मैं उस खुदा की प्रस्तुत करता हूं जिसने तूफानों के रोगों को बदल डाला। तो मेरे शिशो खुदा जो है वो आज और कल बल्कि अब तक ऐसा खुदा है। और वो वहां पर बताता है कि बनी इसराइल जब इसराइल मिस्र के अंदर गुलामी की हालत के अंदर थे तो हमारे बाप दादा की कैसी खुदा ने मदद की, और मेरे शिशो को बादल के ऊपर उनकी आग इस स्तंभ की तरह खड़ा रहता था, उनके आगे आगे चलता था, उनकी मदद करता था। हर वक्त खुदा ने उनको, हर जंग के अंदर खुदा ने उनको फतह से बढ़कर करवा दिया। आप देखें तो उनके पीछे जो थे वो मिस्री लगे हुए थे, आगे उनके समंदर था, लेकिन खुदा ने समंदर में भी रास्ता बना डाला। Why? क्योंकि खुदा अपने लोगों की खुदा हफाजत करता है, खुदा खुद अपने लोगों की जंग लड़ता है। क्योंकि कलाम फरमाता कि वो सब एक जंग यहोवा उसका नाम है, और वो अपने लोगों को फतह से बढ़कर करवा देता है। तो मेरे जीजो वो अपना तारुफ बताता है वहां पर, मनाती करता है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है जो समंदरों को चीर देता, जो समंदरों के रास्ते बना देता, जो नहीं होता वहां से भी काट लेता है। तो मेरे जीजो जब वो कलाम सुनते हैं यूना का, तो वहां पर उनके अंदर कलाम जो है वो असर करता है। अब जब कलाम उनके अंदर असर करता है तो क्योंकि वो कलाम की मनाती कर रहा था कि 40 रोज के बाद जो है नैनवा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब वहां का जो बादशाह है वो सारी कबीना को बुलाता है कि अब क्या करना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास बचने की, तो ऑप्शन एक ही है। और फिर यूना से पूछते हैं, ये मेरे गले को सब कर रहा है ब्रदर, तो वो कहता है कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास। वो यूना से पूछते हैं कि क्या ऑप्शन है, वो कहता है कि एक ही ऑप्शन है और वो रोजा है, क्योंकि आप लोगों का जो गुनाह है। जी थैंक यू सो मच, क्योंकि ये मेरे गले को खुश कर रहा है। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो वो कहता है कि एक ऑप्शन है हमारे पास और वो ये ऑप्शन है कि तुझे खुदा आपको एक ही तरह से माफ कर सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोजा है। अगर आप रोजे में ठहर जाए, खुदा के हुजूर गिरे आजादी करें, उसके आगे घुटनों पर पल हो जाए, तो वो आपका जो गुनाह है खुदा के कानों तक पहुंचा, वो आपके गुनाह को माफ कर देगा। जिस तरह सदोम और अमोरा का गुनाह
कलाम में लिखा है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। तो मेरे अजीजो, सदोम और अमोरा के हवाले से आप जानते हैं कि उनका शोर जो था वो खुदा के कानों तक पहुंचा और खुदा ने फैसला कर लिया कि मैं सदोम और अमोरा को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। और वहां पर आग और गंधक नाजिल हुई और वो तबाह हो गई। और इसी तरह मेरे अजीजो, आप नूह के दौर में भी देखते हैं कि नूह का शोर भी, नूह की कौम का शोर भी खुदा की हजूरी में जब पहुंचा तो खुदा ने उस कौम को भी तबाह कर दिया, नीस पर नबूद कर दिया। तो सिर्फ एक रात बाद नूह था वहां पर शख्स, वो और उसका खानदान वहां पर बचा। तो मेरे चीजों, हमें भी जरूरत इस बात की है कि खुदा की हजूर रास्तबाजी से चले। सुबह वहां पर जो नूह है, सॉरी यूना जो है, वो रोजा की मुनादी करता है। आप सोचने की बात ये है कि रोजे की तालीम उनके पास कहां से आ गई, उनको किसने बता दिया, क्योंकि वो तो बुद्धों को मानने वाले थे। लेकिन रोजे की तालीम भी यूना ने उसको बताया कि इस तरीके से आप बच सकते हैं। और मेरे चीजों, वहां पर हम कलाम में देखते हैं कि अगर बाइबल में हम देखें, पूरी बाइबल के अंदर, पुराने अहदनामा के अंदर, तो खुदा ने पहले एक रोजा दिया था। ये लास्ट टाइम भी मैंने यहां पर आपके साथ शेयर किया था, और ये कफारे का रोजा दिया गया था। उसके बाद जब बाइबल की असीली से वापस लौट कर आए तो चार रोजे फिर और मिले, और ये खुशी के रोजे थे। और मेरे अजीजो, आप टोटल अगर हम पुराने अहदनामे में देखे तो खुदा ने पांच रोजों का हमें कहा है कि तुमने ये रोजे रखने हैं। इसके बाद मेरे अजीजो, हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा के हजूर को चुप गए, बादशाह जनता उसे नौजदा किया कि हर एक अपने घर से बाहर आए और रोजे में ठहर जाए और गिरिया जारी करे, दुआ में ठहरे, आंसुओं के साथ दुआ की जाए। अभी जब दुआ की जा रही थी तो खुदा की हजूरी यहां पर मौजूद है। हालेलुया। तो मेरे अजीजो, कलाम में लिखा है कि मस्सा के सबब से जुए टूट जाते हैं। जब मस्सा आता है तो जुए टूट जाते हैं। अब जब रोजे में ठहर गए, उन्होंने रोजा रखा और खुदावंद की हजूरी में गिरिया जारी की, और कलाम में कहता है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को समतन हम दिखावे के रोजे रखते हैं कि हमने रोजा रखा है। जिस तरह फकीर और फरीसी मोड़ों पर खड़े हो जाते थे और वह कहते थे हमने रोजा रखा है, वो अपने बाल खोल लेते थे और लंबे लंबे चोगे पहन लेते थे और रोजेदार अपने आप को जाहिर करते थे। और मेरे जीजू, यहां पर भी यूना को, यूना ने उनको कहा कि एक ऑप्शन है, हो सकता है कि खुदा आपको माफ करे, कि वो रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है, वो कहर करने में दी मौत शफ़त में गनी है, वो माफ करने वाला खुदा है। तो मेरे जीजो, वो रोजे में ठहरते हैं और फिर जब रोजे में ठहर कर दुआ करते हैं, क्रिया जारी करते हैं, खुदा आगे छुप जाते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं खुदा देख हमने तेरी हजूरी में गुनाह किया, तू माफ करने वाला खुदा है। क्योंकि जिस तरह यूना ने उनको तालीम दी थी उस तरह उन्होंने खुदा की हजूरी में गिरियाजारी की। और मेरे अजीजो, फिर हम देखते हैं नौवीं आयत के अंदर, तीसरी बाब की नौवीं आयत के अंदर, कि वो कहते हैं कि शायद खुदा अपना इरादा बदले। वो ना तब्दील, लेकिन वो बदल देने की कुदरत रखता है। आप देखें हिजकिय्याह नबी को, अगर देखें तो जब वो बीमार पड़ गया तो मेरे अजीजो, यशायाह उसे आकर कहता है कि तुम अपने घर का बंदोबस्त कर ले क्योंकि अब तुम मर जाएगा,
से मैसेज देकर बाहर जाता है और जो हिस्किया है वो खुदा के हजूर में चुप जाता है और कहते हैं खुदावंद मैं तेरी हजूरी में रास्तबाजी के साथ चलता रहा, मैंने तेरी हर वो बात मानी है, मुझ पर रहम कर। और खुदा उसकी वहां पर आवाज को सुन देता है, उसकी दुआ जो है, उसके आंसू जो है हिस्किया के खुदा के राजा को क्या कर दिया, गंभीर कर दिया। अभी ये साया जो है वो बाहर नहीं शहर से निकला, खुदा फिर उसे कहता है कि जा, हिस्किया से कह दे कि मैंने तेरी 15 बरस उम्र को बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा जो है वो अपने लोगों की आवाज को सुनकर जवाब देता है, इसे के नो प्रॉब्लम आई नॉट बी। सो मेरे अजीजो, खुदा अपने लोगों की दुआ का जवाब देता है क्योंकि वो दुआ को सुनता है। उसके कान है, उसकी आंखें हैं, उसका मुंह है, वो सब कुछ करने पर कुदरत रखता है। अगर हम भी खुदा की तरफ रुजू लाए, क्योंकि कलाम में लिखा है तुम उसकी तरफ रुजू लो, तो हमें भी जरूरत है खुदावंद की तरफ रुजू लाने की, ताकि अगर देखें तो लिखा है कि अगर तुम खुदा की तरफ रुजू लो तो तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएंगे और खुदावंद की हजूरी से कौन से दिन आएंगे, ताजगी के दिन। आज जैसे यहां जी मरे हुए परिंदियां में बैठे रहने हैं, लेकिन मेरे यीशु ताजगी के दिन वो देना चाहता है, वो खुशी बख्शना चाहता है, वो सांत्वनी बख्शना चाहता है, वो खुशहाली देना चाहता है। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि शायद ना, कि लोग कहते हैं कि शायद खुदा हम पर रहम करे। और मेरे शिशु वहां पर कलाम में लिखा है कि खुदा ने उन पर जब रोजा रखा, उन्होंने आंसू बहाए, तो फिर खुदा ने उन पर रहम कर दिया। और 40 रोज के बाद अब जो पैगाम लेकर आया है वो मेरे जीजो बड़ा गुस्से में आ गया। और दूसरी तरफ देखे जो यूना साहब है वो बड़े गुस्से में आ गया। अगर आप चैप्टर 4 में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि यूना बड़ा गुस्से में आ गया, उसने कहा इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मुझे तो पहले पता था कि तूने इनको माफ कर देना है, मुझे क्यों नाम पर फिर लेकर आया। लेकिन मेरे जीसो खुदा जो है मोहब्बत का खुदा है, वो प्यार का खुदा है, क्योंकि कलाम कहता कि मां तो शायद अपने बच्चे को भूल जाए लेकिन मैं अपने तालिब को हरगिज ना भूलूंगा। वो अपने तालिबों को कभी नहीं भूलता। अगर जब मेरे जीसो आते थे कि हमारा बच्चा अगर कोई गलती करे तो क्या हम गुस्सा नहीं करते, हम उन्हें जान से मार देते? हमारा बाप जो है वो मोहब्बत का होता है। आप देखे कि यीशु के पास जितने भी आए, अंधे आए, लंगड़े आए, गुनाहगार आए, कोई भी आया, यीशु ने उसे कहा फिर गुनाह ना। वो जो औरत बदी के अंदर पकड़ी गई थी, यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। तो मुझे और आपको भी वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे को माफ करने वाले बने। अगर देखे मेरे जीजो आज यूहन्ना बात के आपने नौजवानों के बारे में सुना होगा कि 42 लोगों को मेरे जीजो वहां पर सजाए मौत होने वाली थी, उनके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं था, कोई उनका रहनुमा नहीं था। ये नहीं कि मैं अपने बड़े भाई की तारीफ करने लगी हूं, पास्टर फजल की, उन्होंने बिशपों को बुलाया, उन्होंने पास्टर से बात की, उन्होंने डिफरेंट मिनिस्ट्री से बातें की, आओ हम मिलकर इन नौजवानों के लिए कुछ करें, लेकिन किसी ने भी कुछ करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा हम एक डॉलर एक रुपया भी नहीं दे सकते, हम एक पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते। लेकिन मेरे अजीजों पास्टर और फजल ने कहा कि अपनी पूरी कलीसिया को आओ हम दुआओं से बैठे जाए प्यारों के लिए। और मेरे अजीजों जब वो रोजे और दुआ में ठहर गए, रुकावटें तो बहुत आई। उन्होंने दिसंबर 23 को बाहर आ जाना था, लेकिन आपको बताए कि वहां पर डॉक्टर्स की और वकला की वहां पर लड़ाई होगी, फाइट होगी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, वो 23 दिसंबर को बाहर ना आ सके। ये सिलसिला चलता रहा। उनके जो थे मदई जो थे उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ लेंगे, फिर हम सुलह करेंगे, फिर हम ऐसे होंगे इस मकसद को सॉल्व करने के लिए, फिर हम ऐसे ही हो जाएंगे। और जज ने भी कहा कि जो मदई कहेंगे वही हम करेंगे। अब हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपने कदम को इस्तेमाल किया। आज कोई 3 डॉलर भी अगर कहे ना कि भाई जी 3 डॉलर चाहिए तो बड़ा मुश्किल लगता है जेब चौपड़ना, तो पास्टर फजल ने किसी एक इंसान से भी एक रुपया नहीं लिया, उन्होंने अपने पॉकेट से 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस देकर उनको आजाद करवा दिया। वो आज मेरे को वो 42 फैमिली को रिलीज किया है। तो ये इसका बाद का क्रेडिट जो है ये पास्टर फजल को नहीं, हम सब की दुआओं का और रोजों का नतीजा है जो खुदा ने एक बड़ा काम किया। तो खुदा जो है वो किसी एक को भी उठा खड़ा करता है। जब हम दुआ करते हैं हो सकता है कि हम किसी के लिए दुआ कर रहे हो तो खुदा का रूह जो है वो किसी को भी कायम करे। अब जैसे न्यूलाइफ चर्च जो है ये बहुतों के लिए बरकत का बाइस बनता है, ये बहुतों को अपने गले से लगा लेता है, पैसों की जरूरत होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है, तो ये अपनी पॉकेट से अपने चर्च से लोगों को प्रेस करते हैं। और यही वजह है कि खुदा इस चर्च को बरकत दे रहा है। आमीन। क्योंकि कलाम में लिखा है कि शराब करने वाला खुद भी शराब होता है। असी तो अपनी मुठियां भी बंद करी रखने, ना 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 इन्हें खुलना नहीं। तो मेरे अजीजों जब चर्च में आते हैं तो एक डॉलर तो बहुत नहीं पौना। मैं आपको कभी फिर बात सुनाऊंगी डॉलर की, कि डॉलर कहता है कि मैं मेरी वैल्यू बड़ी है। अब 100 डॉलर का नोट कहता है कि मैं तो ट्रैवल करता हूं, मैं तो एरोप्लेन के अंदर जाता हूं। 50 का नोट कहता है मैं तो बैंकों के अंदर होता हूं। तो एक डॉलर है ना, डॉलर कहता है मैं तो हर एतवार संडे दे संडे चर्च के बीच होना, ऐसे ही है ना। तो मेरे अजीजों हमें जरूरत है, क्योंकि जब शराब करते हैं तो खुदा हमें भी शराब करता है। सो मेरे अजीजों जरूरत इस बात की है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारना है। हमें रोजे में ठहरना है, हमें चेक करना है जब रोजे आ रहे हैं। फिर कलाम कहता है कि जब तू रोजा रखे, और रोजा रखने का कोई टाइम और कोई पीरियड नहीं है। जब भी आपके अंदर कोई भी मुश्किल आ जाए, आप देखें कि मेरा बेटा जो है वो गलत राह पर चल पड़ा, वो टेढ़ी राह पर चल पड़ा, उसकी सोसाइटी गलत हो गई, आप रोजे में ठहर जाए। स्टे ऑन द फास्ट, रोजे में ठहरे, दुआ करे, देखे खुदा कैसे उसके अंदर तब्दीली लेकर आता है। क्योंकि वो ला तब्दील लेकिन वो बदल देने वाला खुदा है। मेरे सीसो जरूरत इस बात की है कि कमी हमारे अंदर है। जब भी कभी आपने अपने बेटे और बेटी की शादी करनी है, सबसे पहले रोजे में ठहरे। जब तू रोजा रखे, रोजा आपकी जरूरत है। जब आप रोजे में ठहरेंगे, हो सकता है कि आपको परसों से कोई कर्ज देना हो, आप कर्ज दे नहीं पा रहे, पैसे जमा करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, इधर लगाना चाहते हैं वो लग दूसरी तरफ जाते हैं। वजह क्या है? हमारे अंदर
मेरे अजीजों, हमें रोजी और दुआ में ठहरने की जरूरत है ताकि हमारी टेढ़ी राहें जो है वो सीधी हो जाए। फिर हमारे बच्चे गलत सोसाइटी में नहीं जाएंगे, वो शराब नहीं पिएंगे, वो गलत जगहों पर नहीं जाएंगे, उनकी एक्सेस जो है वो सही राइट डायरेक्शन हो जाएगी। जब हम सही अपने खुदावंद की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि कलाम कहता कि तुम बगावत करके और कितनी मार खाओगे। हम बगावत पर उतर आते हैं, जिस तरह यूना जो है वो वहां पर बैठ गया रुसे हुए जवाई वांगू, वो जाके दूर ही में खंडिया हुआ। कहता मुझे पहले ही पता सी कि तूने ऐसे ही करने को माफ कर देना है, और मेरे शिशु वहां पर देखे कि वहां पर वो दूर जाकर बैठा हुआ देख रहे हैं कि नैनवा के शहर के लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनका गुनाह जो है खुदा ने माफ कर दिया, उनकी पूरी रवश को माफ कर दिया। और यूना जो है वो गुस्से में बैठा हुआ है। आज अगर किसी को बरकत मिल जाए, ऐसी भी कहने यूं बड़ी बरकत मिली है सर, असी वेबे के सर जाने जैसे यूना जो है वो चल रहा है, चल कर रहा है, स्पिरिट ऑफ हसद, हसद का रूह उसके अंदर आ गया और वहां पर बैठकर गुस्से में जला हुआ बैठा हुआ है। और मेरे चीजों खुदा कहता है, फिर खुदा ने वहां पर, क्योंकि बड़ी धूप थी, और खुदा ने वहां पर एक बेल उगाई और फिर एक कीड़ा भेज दिया, वो बेल सूख गई, उसे और भी गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आता है तो खुदा फिर उसे कहता है कि देख ये बेल तूने उगाई नहीं, तूने मेहनत नहीं की और तुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि सूख गई। इसी तरह ये इस मुल्क के 120,000 लोग जिनको मैंने पैदा किया, ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं कैसे इनको मरता हुआ देख सकता हूँ, मैं कैसे इनको मेरे जिसको मुसीबत के अंदर पड़ा हुआ रहने दे सकता हूँ। वो फरमाता है कि मेरे बेटे वापस लौटा क्योंकि मैंने तेरा शुक्रिया किया। वो आज मुझे और आपको भी दावा देता है, आइए अपने सिरों को झुकाएं, दुआ करें, हर एक आंख बंद हो जाए, हर एक सर खुदा की सुरी में झुक जाए और दुआ करना शुरू करें। प्रेज जीसस। सब लोग अपने अपने लिए दुआ करें। हालेलुया। जिस बहन को भाई को पाखू पाई करे वो खड़ा होकर दुआ में रहनुमाई कर सकता है, शॉर्ट दुआ करे कलाम के लिए शुक्र गुजारी की दुआ। प्रेज जीसस। हालेलुया। हालेलुया। जिस बहन या भाई को खुदा का पाखू पाई करे दुआ में रहनुमाई करे। हालेलुया।